सबको गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे। ये है भटूरे, तो फील्ड से घूम लिए और जा रहे हैं घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं द पांडे ब्लॉग्स। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9 और मैं उठ चुका हूँ। सबको गुड मॉर्निंग, होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी आराम है, काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गया था और बॉडी पेन हो रहा था और जुकाम भी हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो अभी मेरे काफ़ी आराम है, तो अब चलिए जल्दी से मैं हो जाता हूँ फ्रेश और फिर आपसे मिलता हूँ। अब ब्रश मंजन हो गया है और चलता हूँ जल्दी से, चाय वाय पी लेता हूँ, चाय बन गया है, उसके बाद चलूँगा फिर नहा धो के मंदिर जाना। अभी मैं नहा के हो गया हूँ तैयार, अब चलिए चलता हूँ मंदिर और आपको भी दर्शन कराता हूँ। मैं आ गया मंदिर के अंदर और पूजा भी कर लिया, अब थोड़ी देर बैठूंगा यहाँ पे। मंदिर के अंदर आने में एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी जैसा फील होता है। और यहाँ पे मैंने पिछले अपने ब्लॉग में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इस मंदिर को, और एक रघुनंदन ब्रह्म बाबा का मंदिर वो भी दिखा चुका हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरा पेंट वेंट हो रहा है, काफ़ी नया जैसा लग रहा है। तो हर साल इसकी मरम्मत पेंट ये सब होता रहता है, और ऊपर अभी लाइट भी लगने वाली है यहाँ पर, ताकि दूर से ही ये दिखेगा मंदिर। तो चलिए अब मैं बैठता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, 2-4-5 मिनट बैठूँगा, फिर उसके बाद चलूँगा घर। अब मैं मंदिर से दर्शन करके आ गया हूँ घर, और चलता हूँ देखता हूँ घर पे क्या खाने में बन रहा है आज। आज बन रहा है खाने में घर पे छोले और भटूरे। यहाँ पे छोले बॉयल हो गए हैं और ये आटा तैयार है। वहाँ पे तो मुझे ख़रीद के खाना पड़ता था और ज़्यादा ऑयली भी होता था, अब घर पे आराम से घर का बना हुआ छोले भटूरे मिलेंगे आज, देखता हूँ कैसा बन रहा है। और ये है चटनी बादाम की, बादाम की चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए जल्दी से वेट करते हैं तैयार होने का, फिर खाते हैं। अब मेरा खाना निकल चुका है, ये है भटूरे चटनी बादाम की और ये हैं छोले। चलिए चलते हैं खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ खाना खाने के बाद। अभी मेरा खाना हो गया है और घर का छोले भटूरे खा के मज़ा आ गया, क्योंकि वहाँ पे तो मैं खरीद के खाता था और काफ़ी ऑयली भी बाहर में तो रहता ही है। तो अब दवा भी मैंने खा लिया है और थोड़ी देर करूँगा आराम, फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। अब मैं सो के उठ चुका हूँ, शाम को बज रहे हैं 4:30। थोड़ा सा सो लेने पर रिफ्रेशमेंट महसूस होता है, क्योंकि मेरा शिफ्ट होता है रात में, तो अगर दिन में नहीं सोऊंगा तो रात में दिक्कत हो जाती है, जल्दी नींद चलने लगती है। अब चलते हैं चाय पीते हैं, इवनिंग टी का टाइम हो रहा है। वहाँ पे तो खुद से बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। अभी मैं गांव में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता खाना बनाने चाय वाय में, तो जब तक है तब तक थोड़ा सा आनंद उठा लिया जाए इसका, फिर तो वहाँ जाके खुद से बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ चाय पी लेता हूँ। अब चाय पानी हो गया है और मैं और अंकुर आए हैं बाहर, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। एक दो दिन हो गया होगा, ऊपर ही हो गया क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी और जितने भी दोस्त हैं हमारे सारे चले गए, अब बोरिंग लग रहा है हम लोग को, इसलिए मैंने भी टिकट करा लिया। मैं तो रुकने वाला था काफ़ी दिन, सोचा था इस ये महीने बिता के जाऊँगा, बट अब मैंने भी टिकट करा लिया, जल्दी ही निकल जाऊँगा मैं भी, और इनका भी टिकट ऑलरेडी हो चुका है। ये तो पहले से ही करा लिए थे, मुझे इन्होंने बोला भी था कि करा लो, बट मेरा भी कोई कन्फर्म नहीं था। अब चलते हैं मेन रोड पर जो हमारा है, वहाँ पे देखते हैं कुछ मिलेगा खाने पीने का तो खाएंगे और थोड़ा बहुत घूम किया जाएगा। हाँ, और घूम टहल के आएंगे। और अच्छा काम हमारे गांव में हो गया है, हर जगह ये डस्टबिन भी लग गया है, लोग इसका यूज भी अच्छे से कर रहे हैं, तो काफी ये भी सारी चीजें भी बदल रही हैं। आपका क्या राय है इसमें? काफी साफ सुथरा हो गया है गाँव, और ये गाँव अब टाउन जैसा लगने लगा है। हाँ, और काफी अच्छा लगता है अपने गांव को। आप लोग वीडियो में देखते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा, और काफी अच्छा लगता है अपने गांव को इतना ऊपर जाते हुए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कई सिटी जैसा नहीं कर पाते जैसा हम लोग का गांव अभी है, तो काफी एक प्राउड फीलिंग होती है। सही बात है। तो चलिए चलते हैं मेन रोड पे, काफी दूर है हमारा, कितना किलोमीटर का लगभग होगा, किलोमीटर होगा या मीटर? मीटर है 200 मीटर है। यहाँ से 200 मीटर है ना, यहाँ हमारे घर से आई थिंक 600 या 700 मीटर होगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से।
हम लोग आए हुए थे अपने फील्ड पे, जो यहाँ का फील्ड है, तो रात में कुछ ऐसा दिखता है। लाइट यहाँ पे एक लगी हुई है और एक लाइट यहाँ पे है। यहाँ पे लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। और ये है जिम। जिम में काफ़ी सारी यहाँ पे मशीनें, अच्छा खासा मशीन है। तो मतलब कि गांव के लिए पर्याप्त, गांव के लिए पर्याप्त मशीन है। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और अंदर से आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मशीन है इसमें। अभी आप लोग ने जो जिम देखा उसका फीस जो है वो 200 रुपये पर मंथ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और मशीन भी अच्छा खासा मशीन है, मैंने अंदर जाके देखा भी था। और यहाँ पे ये बैडमिंटन का कोर्ट बना रखा है। वैसे तो लोग मतलब बिना नेट के भी बैडमिंटन यहाँ पे खेल लेते हैं, बाकी बस लाइट चाहिए। और पहले से काफ़ी यहाँ पे चेंजेज आ गए। पहले तो लाइट नहीं था, पूरा अंधेरा रहता था। अभी मेरे हिसाब से एक दो लाइट उधर भी ज़रूरत है, क्योंकि उधर अंधेरा है, बीच में एक लाइट है। आपकी आपका क्या राय है अंकुर जी? काफ़ी अच्छा है। और मेरे हिसाब से इधर एक लाइट वहाँ कॉर्नर पे और एक लाइट उस साइड वहाँ पे होने चाहिए लाइट। वहाँ पे तो होगा लाइट। हाँ हाँ जी बताइए। ऐसे लाइट लग रहा है ग्राम प्रधान हमारे लगवा रहे हैं, तो रेंजर लाइट होती है ना क्रिकेट स्टेडियम में, जो बड़ी बड़ी उसी में की, तो पूरी तो नहीं लेकिन 2-4 लग जाएंगी, तो यहाँ लगेगा वही। अरे ऑलरेडी यहाँ पे है तो एक दो लाइट और। हाँ एक दो लाइट। और पहले से तो काफी चीजें चेंज हो गया, बहुत बहुत पहले से, पिछले 2 साल मतलब काफी। हम लोग आते थे तो यहाँ तक ही फील्ड ये था, अंदर में 50% से अधिक का मतलब। और गांव में भी अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आप देखे ही होंगे। बट मैं पहले का तो दिखा नहीं सकता क्योंकि पहले का वीडियो तो मेरे पास है नहीं। बट अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ये तो यहाँ तक फील्ड था, ये पूरा एकदम जंगल था, पूरा इधर पेड़ वेड़ थे, झाड़ियाँ थी। तो अभी ये पूरा क्लीन करके बना दिया गया। और जैसा कि ये जिले में ऐसा मतलब जिले में और इस रेतीपुर जो ब्लॉक खंड है क्षेत्र में ऐसा स्टेडियम कहीं नहीं है, पीजी कॉलेज को ये टक्कर दे सकता है। हाँ तो अभी जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे 2 लाइट और लगने वाली हैं, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अभी रुकेंगे हम 1-2 मिनट, फिर चलेंगे घर पे। तो अब हम लोग फील्ड से घूम लिए और जा रहे हैं घर। और यहाँ पे अंकुर जी शॉपिंग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं शॉपिंग? अपने भतीजे के लिए। अपने भतीजे के लिए बॉल खरीद रहे हैं, तो चलेंगे ये ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे घर पे। तो अब अंकुर निकल जाएंगे इधर से अपने घर, चलते हैं बाय बाय। और मैं इधर से निकल जाऊंगा अपने घर, जब आ गया हूँ घर। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप ज़रूर से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.